वेलकम टू सपोज मैथ। आई एम अख्तर अब्बास और आज की इस वीडियो में हम लिमिट के दो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिनमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज करेंगे हम। उसमें ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये मैंने जीआरई की बुक से लिया है, उसकी ये एक एक्सरसाइज है। इसमें हमें इवेलुएट करना है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन ओवर एक्स स्क्वायर इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन टी एंड डी टी। अगर हम इसमें डायरेक्टली एक्स को जीरो पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, वन ओवर जीरो स्क्वायर मीन्स दैट वन ओवर जीरो, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू जीरो जो कि जीरो की इक्वल होगा, क्योंकि लोअर और अपर लिमिट्स अगर सेम हो जाएं तो इंटीग्रल जीरो की इक्वल होता है। तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम लॉपिटल रूल का यूज करते हैं। देखिए कैसे, मैं इसी स्टेटमेंट को एक बार फिर से रीराइट करता हूं और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन टी डी टी एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे होगा एक्स स्क्वायर। अब लॉपिटल रूल क्या करता है कि लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग अगर हमने ये लिमिट इवेलुएट करनी हो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस हो और वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ए f derivative at x divided by g derivative at x, यानी ऊपर वाले फंक्शन का भी डेरीवेटिव ले लें और नीचे वाले फंक्शन का भी डेरीवेटिव ले लें। तो हम इसमें ऐसे करते हैं कि न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डेरीवेटिव ले लेते हैं, तो ये लिमिट x अप्रोच 0 एज इट इज रहेगा। d बाई डी एक्स और इंटेग्रल हम लेंगे 0 टू x t प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन t और इसके साथ है डी टी। अच्छा, ये तो न्योमिनेटर का डेरिवेटिव है, इसी तरह डिनोमिनेटर का भी हमने डेरिवेटिव लेना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जस्ट हमने यहाँ पर लॉपिटल रूल अप्लाई किया, इसके अलावा और हमने कुछ नहीं किया। तो ये इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो। जब यहाँ हम डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने से क्या होगा, यहाँ पर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम ए टू एक्स एंड अ फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी, तो ये इक्वल होता है जस्ट एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसमें हर टी की जगह एक्स को रिप्लेस कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बन रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि ऊपर ये जो फंक्शन है टी प्लस टी स्क्वायर ओवर वन प्लस साइन टी, इसमें हर टी की जगह एक्स को रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू जीरो x प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, जब x कॉमन लेंगे तो यहां 1 प्लस एक्स होगा एंड डिवाइडेड बाय ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 2x और 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई हुए, x से x कैंसिल हो गया। अच्छा, बाकी में देखिए, क्या बाकी में हम x को जीरो पुट कर सकते हैं, तो आंसर है यस। अगर हम इसमें डायरेक्ट x को जीरो पुट करें तो ये बन जाता है 1 प्लस जीरो डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन जीरो, साइन जीरो जीरो की इक्वल होता है तो हमें आंसर मिलेगा 1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 1। इसी तरह सेकंड प्रॉब्लम भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आप अगर नोट करें तो सिर्फ इसमें कुछ लिमिट्स चेंज हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ फोर प्लस टी क्यूब एंड डी टी होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें भी हर एक्स को जीरो पुट कर दें तो न्योमिनेटर में यहाँ एक्स जीरो बन जाएगा, इंटेग्रल की लिमिट जीरो से जीरो तक होंगी यानी ऊपर जीरो और इसी तरह नीचे भी जीरो बन जाएगा, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। तो हम इस पर लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। लॉपिटल रूल अप्लाई करने से क्या होगा कि हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो न्योमिनेटर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू एक्स स्क्वायर और ये जो फंक्शन है फोर प्लस टी क्यूब एज इट इज होगा और साथ में डी टी एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब न्योमिनेटर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे लिमिट एक्स अप्रोच जीरो एज इट इज रहेगा, यहां पर हम फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करने जा रहे हैं। यहां पर ये रूल यूज करेंगे कि डी वाई डी एक्स ऑफ अ फंक्शन इंटेग्रल फ्रॉम अ फंक्शन ए टू एनी अदर फंक्शन जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ टी डी टी, तो ये इक्वल होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी टी की जगह जी ऑफ एक्स को पुट करें और फिर उस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी लेना है।
तो इसके अकॉर्डिंग ये हम हर टी को पहले एक्स स्क्वायर पुट करेंगे और फिर अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस टी क्यूब, इट मींस दैट एक्स स्क्वायर क्यूब और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो के 2x है, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो के 2x है, तो 2x से तो 2x कैंसिल हो जाएगा और बाकी में अगर हम हर x को 0 पुट कर दें तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करने से काफ़ी मुश्किल नज़र आने वाली लिमिट्स बड़ी आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं।